जय गड़े जनवरी को इन्फॉर्मेशन पर कार्रवाई करी हमारे सब इंस्पेक्टर वाल जले को इन्फॉर्मेशन आई थी एसीपी शेल के उनके द्वारा टीम लीड की गई और आनंद दिगे टावर के नज़दीक जाके उन्होंने दो लोगों को इंटरसेप्ट किया उनकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 6 किलो कॉन्ट्राबैंड मिला जिसको वो वहाँ बेचने के लिए आए थे उनको हमने अरेस्ट किया अपने ताबे में लिया उनके नाम थे लवकुश गुप्ता और अमित गोडबोले उनको अरेस्ट करने के बाद कॉन्ट्राबैंड मिलने के बाद और जांच होने के बाद एक गुनाह दाखिल किया गया थाने नगर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 8C सेक्शन 22 सेक्शन 29 NDPS एक्ट के तहत और इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया केस में इनसे पूछताछ के बाद सामने आया कि कंपनी के दो एम्प्लॉयज इनके साथ इन्वॉल्व थे जिनका नाम है बासवराज भंडारी और अनिल राजभर हमारी टीम यहाँ से सेंट्रॉर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड अंबरनाथ में जो फैक्ट्री है वहाँ पहुँची वहाँ कंपनी को जाके हमने FDA की टीम्स को भी बुलाया सर्च ली गई और सर्च के दौरान लगभग 750 किलो कॉन्ट्राबैंड वहाँ पे कैविटीज़ में छुपा के रखा गया था वो हमको मिला वहाँ पे उसमें से 47 किलो लगभग 47 किलो एल्प्रोजोलैम था जो कि एक नार्कोटिक ड्रग है NDPS एक्ट के नीचे और इसके अलावा 12 अदर टाइप के साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 12 अदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस भी लगभग 100 किलो जिनका वजन था वो प्राप्त हुए इसके अलावा 600 किलो और केमिकल भी कैविटीज़ में छुपा के रखा गया था उसको भी हमने ताबे में ले लिया है उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि वो कॉन्ट्राबैंड क्या है टोटल कॉन्ट्राबैंड जो अब तक सीज किया गया है उसकी कीमत है लगभग 19 करोड़ लट्टू फाटी है चार फ्रेम मध्ये नाही ते संपला फ्रेम बस